हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर्स। जैसे हम लोग इसका पहले वीडियो में मोटर का नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में हम लोग समझाया था, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जो प्रोटेक्शन क्लास है जो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर के लिए है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्कस किया था, तो बेसिकली जो भी हमारा एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर है हमारा इंडस्ट्रीज में, मोस्टली हमारा जैसे हमारा पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल नेचुरल गैस का प्लांट्स है, या नहीं तो क्रूड ऑयल प्लांट्स है, या LPG बॉटलिंग प्लांट्स है, तो ऐसा केसेस में हमको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर तो रहता ही है। इवन नॉर्मल प्लांट्स में भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर वो रह सकते हैं। उसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स रहते हैं उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए वो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में, सो दैट उस एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में वो एक इग्निशन सोर्स नहीं बनने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये एक बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। इसको जैसे हम लोग कोई भी मोटर का एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में कोई भी इक्विपमेंट आप देखेगा, तो इवन इनफैक्ट मोटर हो सकते हैं वो आपको JB हो सकते हैं, या नहीं तो कोई भी ग्लैंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आपको एक्सप्लोजिव प्रोटेक्शन का इसका क्लास डिफाइन किया जाता है। जैसे EXD, EXN, EXR, EXI, EXP ऐसे बोलकर इसका क्लास डिफाइन करते हैं। तो उस क्लास को EXD, EXN वो आपको समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप समझ गया तो उसको आपको समझना बहुत आसान हो सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है हमको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में इसको प्रोटेक्शन को करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसकी बारे में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमको वो समझने के लिए फ्रेंड्स, एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर समझने के लिए सबसे पहले आपको कंबसन क्या होता है, स्टेबल कंबसन और अनस्टेबल कंबसन, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो आपको कभी भी स्टेबल कंबसन हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा इंटेंशनल कंबसन है, हमने क्रिएट किया था। जैसे हमने बॉयलर में जो लाइटअप करते हैं, ठीक है, जो बॉयलर में हम लोग जो भी हम लोग स्पार्क इनिशिएट करके हम लोग कंबसन एस्टैब्लिश करते हैं उसको हम लोग स्टेबल कंबसन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम इनफ एयर देते हैं बॉयलर में, हमने जो फ्यूल ऑलरेडी रहते हैं एयर देते हैं और इग्निशन सोर्स देकर हम लोग कंबसन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो वो कंबसन क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, हम हीट जनरेट करते हैं। सो उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रेशर टेम्परेचर हम लोग विथ इन लिमिट्स में रखते हैं, और उसका लिमिट भी विथ इन रहते हैं, और वो कभी भी एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वो कंट्रोलेबल वे में इसका टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग मेंटेन करते हैं। सो उसमें जो स्टेबल कंबसन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा प्रेशर और टेम्परेचर एबनॉर्मली ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और जो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा जितना भी हमारा रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी है, जो भी हमारा फ्यूल का हम लोग बर्न करने के बाद जो इसका हीट एनर्जी आ रहे हैं, उस हीट एनर्जी जितना भी हमारा आ रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपरली डिसिपेट कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर जो हमारा लिमिट से और टेम्परेचर और इसका प्रेशर एबनॉर्मली कभी नहीं बढ़ेगा। और ऐसा हम लोग इसका टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, जितना भी हमारा एनर्जी रिलीज हो रहे हैं उसको हम लोग अगर डिसिपेट कर रहे हैं, अगर इसका जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी है इक्वल टू या लेस देन है जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, तो वो कभी भी आपको टेम्परेचर और प्रेशर एबनॉर्मली नहीं बनेगा। तो आपको ऑब्वियसली टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो एक एक्सप्लोजन कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग स्टेबल कंबसन बोलते हैं। लेकिन जैसा बॉयलर में आपको सुना होगा, अगर कंबसन का अंदर ही आप देखेगा तो पार्शियल कंबसन और कंप्लीट कंबसन भी बोलते हैं। जो कंप्लीट कंबसन में मींस फ्रेंड्स, अगर हमने जो फ्यूल दिया था वो फ्यूल आपको कंप्लीटली बर्न होगा, ठीक है, कंप्लीटली बर्न हो गया तो आपको कभी भी जो स्मोक है, नहीं है तो जो भी बनते हैं फ्रेंड्स ब्लैक स्मोक है, वो कभी होता ही नहीं है कंप्लीट कंबसन में। तो कंप्लीट कंबसन मींस क्या है फ्रेंड्स, जो अगर आपको मैं हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कोई भी फ्यूल को अगर आपको बर्न करना है तो कंप्लीट कंबसन करना है तो
इसका एयर फ्यूल रेशियो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इसका एयर फ्यूल रेशियो आपको इतना परसेंटेज ऑफ फ्यूल को जितना आपको परसेंटेज ऑफ एयर चाहिए अगर उतना आप प्रोवाइड करेगा तो उस फ्यूल आपको कंप्लीटली बर्न होगा, उसमें आपको कोई भी ब्लैक स्मोक या कोई भी आपको रेसिड्यू नहीं बनेगा फ्यूल का, ठीक है। उसको हम लोग कंप्लीट कंबसन बोलते हैं। और जिस प्रोसेस में आपको एयर ज़्यादा देते हैं या नहीं तो जिस प्रोसेस में आपको एयर कम देते हैं उसमें आपको फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, उसकी वजह से आपको ब्लैक स्मोक दिखेगा या नहीं तो फ्यूल का रेसिड्यू बनेगा, कुछ रेसिड्यू आपको हर जगह दिख जाएगा, उसको हम लोग पार्शियल कंबसन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली जो भी है पार्शियल या कंप्लीट कंबसन है, दैट इज अगर इंटेंशनल कंबसन है और उसमें आपको सारे पैरामीटर्स आपका हाथ में है, कंट्रोलेबल वे है, और इसमें जितना भी हीट एनर्जी, जितना भी हम आपका एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, अगर उसको आप प्रॉपरली डिसिपेट कर रहे हैं तो सो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर विद इन लिमिट्स में रहेगा, आपको कोई भी एबनॉर्मली हाई नहीं बनेगा, आपको कंबसन स्टेबल रहेगा, कोई एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टेबल कंबसन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल कंबसन, यानी तो एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको। जो अनस्टेबल कंबसन क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप इस फिगर को देख लीजिए फ्रेंड्स, इस फिगर को, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्सप्लोजिव एटमोसफियर है, ठीक है। एक्सप्लोजिव एटमोसफियर में आपको कभी भी एक इग्निशन सोर्स मिल गया, ठीक है, एक स्पार्क मिल गया। फॉर एग्जाम्पल ये वाइट वाला पार्ट जो भी हमने दिखा रहा था, ये इतना पार्ट है इसका जो फायर, ये जो भी आपको स्पार्क है, ये आपको स्पार्क एक क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे स्पार्क क्रिएट हो गया है तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं, इसका जो सराउंडिंग गैस है, जो भी इसका गैस है उसको क्या करते हैं, इसको ये हीट करते हैं। जैसे ये हीट करते हैं तो क्या होगा, कोई भी गैस अगर हीट होगा है तो क्या होगा, ये वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, वो एक्सपैंड होते हैं। सो हीट होने की वजह से, इसीलिए रेड कलर में मैं दिखा रहा हूँ, सो हीट होने की वजह से वो एक्सपैंड होते हैं और इसका प्रेशर भी बढ़ते हैं गैस का। ये प्रेशर जैसा बढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, आगे प्रोपगेट करेगा, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है, बाकी साइड आपको कम प्रेशर है तो वो आपको आगे प्रोपगेट करेगा, ठीक है। ऐसे आपको इसका जो हीट एनर्जी है, और जो ज़्यादा हीट है इसकी वजह से आपको जो लाइट भी दिखते हैं, आपको कभी भी एक्सप्लोजन होने के टाइम पे आपको हीट है, अबंडेंट सोर्स ऑफ हीट है, और उसमें लाइट भी आपको दिखते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म है। तो आपको ऐसे ऐसे आपको ये इसका इनिशियली क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही आपको स्पार्क मिल गया, जो इसका सराउंडिंग गैसेस है वो गर्म होते हैं, और वो गर्म होकर और इसका प्रेशर बढ़ता है, गर्म होते हैं और वो एक्सपैंड होते हैं गैस, और इसका प्रेशर भी बढ़ते हैं, उसकी वजह से वो आगे 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 इसका प्रोपोगेट करते रहते हैं, और ये एक्सप्लोजन यानी तो जो इसका जो रेड रेड एरिया में आपको दिख रहा हूँ, जो एक्सपर्ट गैसेस है, बर्निंग गैसेस जो भी आपको हो रहे हैं, वो कहाँ एंड होगा, जिस प्लेस में आपको नो मोर गैसेस, अगर आपको कोई भी फ्लेमेबल गैस है ही नहीं है, ठीक है। जैसे फ्लेमेबल गैस है तो ये ऐसा आग पकड़ के आगे 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 ये प्रोपगेट करते हैं इसका, क्योंकि यहाँ फ्लेमेबल गैस है, लेकिन जैसे ही इसका इग्निशन सोर्स मिल गया तो वो फ्लेमेबल गैस गर्म हो गया और बर्न हो गया और इसका प्रेशर बढ़ गया था, तो ये आगे प्रोपगेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे प्रोपगेट करेगा, और जहाँ आपको फ्लेमेबल गैस कुछ भी नहीं है, आपको एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, सेफ एरिया में आ गया, सेफ एरिया मतलब जिसमें आपको फ्लेमेबल आइटम है ही नहीं है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, तो वहाँ क्या करेगा आपको, ये आपका जो रेड जो हॉट पाथ है वो आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो जो जैसे इसका इग्निशन सोर्स मिल गया है तो जो ये प्रोसेस हो रहा है अनस्टेबल कंबसन में, वो प्रोसेस में ऐसा होते हैं जहाँ आपको इसका जो हीटेड एरिया है यानी ये तो जो कंबसन एरिया ख़त्म हो जाएगा, जैसे इसका फ्लेमेबल एटमोसफियर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ उसका कंबसन एरिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिसका जो प्रोसेस है बहुत क्विक होता है फ्रेंड्स। जैसे इग्निशन सोर्स मिलने के बाद मैं आपको बहुत मतलब इंडिविजुअली क्या होता है बताया था, लेकिन ये प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, जितना भी हमारा एनर्जी रिलीज हो रहे हैं वो इतना डिसिपेट नहीं होता है। जैसे हमारा स्टेबल कंबसन में हमारा प्रोसेस बहुत स्लो है, उसमें आपको जो डिसिपेशन एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, जितना भी हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे कम है, लेकिन इस प्रोसेस में आपको क्विकली आपको एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन इतना आपको डिसिपेट नहीं हो रहे हैं। तो इस
इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल कंबसन है, यानी ये तो इसी को ही आपको एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो टेम्परेचर राइजेस और इसका जो प्रेशर राइजेस है आपको सडनली बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपको इसको बोल सकते हैं, आपको एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा अनस्टेबल कंबसन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कभी भी आपको एक्सप्लोसिव एटमोसफियर में आपको प्रोटेक्शन करना है, आपका जो इलेक्ट्रिकल या नहीं है तो कोई भी आपको इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट, कोई भी आपका जो सोर्स है, मतलब वो आपको इग्नाइटेबल सोर्स बन सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट को आपको कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, सो दैट उस इक्विपमेंट के लिए खुद प्रोटेक्शन है। अगर आपको बाहर मतलब जो एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर में कुछ भी एक्सप्लोजन हुआ है तो आपको खुद को इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इक्विपमेंट का अंदर कुछ भी हुआ है तो आपको बाहर का एरिया को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दोनों की तरफ से आपको प्रोटेक्शन समझना है तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रेंड्स, हम जैसा फायर ट्रायंगल है, एक्सप्लोजिव लिमिट्स, लोअर एक्सप्लोजिव और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट्स, फ्लैश पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, ऑक्सीजन एनरिचमेंट और रिलेटिव डेंसिटी, सोर्स ऑफ इग्निशन, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, टी रेटिंग्स, इंग्रेस प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स इसका जो बेसिक चीज़ है इसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले इसका फायर ट्रायंगल, आपको हर इंडस्ट्री में इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, आपको भी इंजीनियरिंग में पढ़ा गया होगा। ये फायर ट्रायंगल क्या होते हैं, आपको कभी भी आपको फायर बनना है, कभी भी आपको फायर होना है तो आपको तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस या फ्लेमेबल मटेरियल होना चाहिए, वो आपको गैस हो सकते है, वेपर हो सकते है, मिस्ट हो सकते है, डस्ट हो सकते है, नहीं तो कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकते है, कुछ भी हो सकते है जो इक्विपमेंट है पोटेंशियल टू बर्न है। अगर आपको बाकी दोनों मिल जाए तो वो आपको पोटेंशियल टू फ्लेम कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लेमेबल मटेरियल या नहीं तो फ्लेमेबल सब्सटेंस बोल सकते हैं। ये हमारा फायर ट्रायंगल का पहले चीज़ है, अगर वो है इसके साथ आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, आपको और आपका ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, और ये दोनों है। अगर आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस भी है और इसमें आपको ऑक्सीजन भी है, अगर आपको इग्निशन सोर्स आप प्रोवाइड करोगे तो कोई भी इग्निशन सोर्स आप प्रोवाइड करेगा तो ये आपको फायर बन सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको ऑक्सीजन एरिया है, मिनिमम हमारा जो एयर में रहता है 21% या 20.9% रहता है हमारा एयर में, तो वो हमारा एयर में, अगर कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस हमारा ओपन एयर में रहेगा तो आपको ये दोनों तो मिल ही गया फायर ट्रायंगल का। अगर आपको तीसरा कभी भी आपको इग्निशन, कोई भी स्पार्क या कोई भी थर्मल सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है, अगर आपको मिल गया तो ये क्या हो सकते हैं, आपको फायर क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको अनस्टेबल कंप्रेशन या नहीं तो एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको जितना भी आप फायर प्रोटेक्शन चीज़ है अगर आप देखेगा तो इसमें कोई भी एक भी हटा दिया तो इस ट्रायंगल में कोई भी एक भी हटा दिया तो आपको आसान से इसको फायर को आप अवॉइड कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो जिसमें आपको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर है उसमें आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस के तो हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको प्रोसेस करना ही है फ्लेमेबल मटेरियल का, तो उसको आप हटा ही नहीं सकते हैं। सो उस केस में आपको ऑक्सीजन या इग्निशन सोर्स दोनों में कोई भी एक हटाने से आपको इसका जो फायर प्रोटेक्शन या नहीं तो जो प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका फायर ट्रायंगल है, सो ये आपको बेसिक प्रिंसिपल है फ्रेंड्स आपको समझने के लिए। आपको कभी भी फायर हो रहा है तो आपको ये तीनों सोर्स जरूर होना चाहिए, अगर इसमें कोई एक भी आपको मिसिंग है मतलब इसमें आपको फायर होने का चांस होगा ही नहीं है, ठीक है। तो हमको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में हमको ऐसे क्रिएट करना चाहिए, ये तीनों एक साथ तो कभी भी नहीं मिलना चाहिए, अगर दो मिल रहा है तो तीसरा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों है तो ये नहीं मिलना चाहिए, अगर ये दोनों है तो ये नहीं मिलना चाहिए, ये दोनों है तो ये नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा हम लोग क्रिएट करके हर एक एरिया में ऐसा हम लोग मेंटेन करके इसमें फायर होने का चांस हम लोग अवॉइड कर देते हैं और नलिफाई कर देते हैं हमारे एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा
फ्लेमेबल आर एक्सप्लोजिव लिमिट से है, ठीक है। इसको आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको कम्बसिबल मटेरियल है, जैसे इसमें जो इसका कलर में दिख रहा है वो आपको कम्बसिबल या नहीं तो फ्लेमेबल मटेरियल है, ठीक है। सो जो वाइट कलर का दिख रहा है वो आपको एयर है फ्रेंड्स, ठीक है। एयर मतलब एयर में मैं आपको ऑलरेडी बताया था 21% आपको ऑक्सीजन रहता है, सो उस एयर है आपको, ठीक है। सो आपको एलईएल और एयूएल क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको जो कंबसन है कम्प्लीटली, अगर कोई भी इक्विपमेंट में आपको बिल्कुल कम्प्लीटली एयर है तो उसमें आपको इग्निशन सोर्स दे भी दिया तो उसमें कंबसन हो ही नहीं सकते है, क्योंकि उसमें प्योरली एयर है, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी कंबसिबल मटेरियल है अगर उसमें आपको इतना डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है, इसको बहुत ही डाइल्यूट कर दिया तो उसमें आपको फायर कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसकी केस में आप ऐसे समझ लीजिए, इसको आपको कभी भी कोई भी कंबसिबल मटेरियल आपको आपको बर्न करना है, जैसे मैं आपको फायर ट्रायंगल में बताया था, कोई भी कंबसिबल मटेरियल आपको बर्न करना है तो आपको इग्निशन सोर्स तो है लेकिन आपको फ्लेमेबल मटेरियल और ऑक्सीजन आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन तो डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं है, एयर में ही मिलते हैं। सो आपको एयर और कंबसिव मटेरियल वो दोनों आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों जरूरी है तो आप अगर आप वो दोनों को अगर एक चार्ट में आप ड्रॉ कर दिया तो ये आपको कंबसिव मटेरियल है, आपको ये एयर है, अगर आप इसको ऐसे मिक्स करेगा तो इसमें आपको दो पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा। एक पॉइंट है वो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इसका नीचे ये ऐसा पॉइंट है इसमें एयर बहुत ही ज़्यादा है और फ्लेमेबल मटेरियल बहुत कम है। ये हमारा फ्लेमेबल मटेरियल को हम लोग इतना डाइल्यूट कर दिया हमने एयर का साथ, तो इसमें आप कभी भी आपको एक मैक्स बॉक्स है आप जला के आप इस एरिया में छोड़ भी दीजिए, वो आपको फायर कभी भी आपको नहीं बन सकते क्योंकि ये आपको बहुत ही डाइल्यूटेड एरिया है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है एयर है और कंबस्टेबल मटेरियल बहुत ही कम है, ठीक है। सो आपको बहुत टू इन टू बर्न है क्योंकि वो मेजॉरिटी है एयर है, ठीक है। सो ये कभी भी आपको आग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आपको दूसरा जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है, सॉरी फ्रेंड्स। सो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होते हैं, सो ऐसा एक पॉइंट है उसमें आपको एयर बहुत ही कम है, बहुत कम एयर है और इसका जो कंबसर या इसका फ्लेमेबल मटेरियल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेमेबल मटेरियल है उसमें एयर का रेशियो बहुत ही कम है तो वो भी कभी भी आपको बर्न नहीं हो सकते अगर इग्निशन सोर्स प्रेजेंट भी है। आप इसमें आप एक जला के मैच बॉक्स जला के भी ये छोड़ दीजिए या नहीं है तो कोई भी स्पार्क आप अगर इस जोन में भी आप जनरेट करेगा तो इसके बाद अपर एक्सप्लोजिव लिमिट का ऊपर कितना भी आपको पॉइंट में आप इसको इग्निशन सोर्स देगा भी दे तो इसमें आपको कभी भी फायर क्रिएट नहीं हो सकते हैं। सो आपको फायर क्रिएट हो सकते हैं हमेशा आपको एलईएल और यूएल का बीच में ही आपको फायर हो सकते हैं, ठीक है। आपको इसका नीचे भी आपको नहीं हो सकते, इसका ऊपर भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है हमारा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है, दूसरा है ये लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट में आपको फ्यूल इनसफिशियंट है, फ्यूल बहुत ही डाइल्यूट कर दिया है, एयर बहुत ही ज़्यादा है, सो आपको फायर नहीं हो सकते इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में इसमें इनसफिशियंट एयर है, अब फ्यूल इतना ज़्यादा है इसमें एयर है ही नहीं है तो आप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स ऑल्सो इसमें आपको फायर हो नहीं सकते। सो इसको हम अपर एक्सप्लोजिव लिमिट बोलते हैं। सो आपको कोई भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर जो हम बोल रहे हैं वो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर या नहीं तो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, दैट इज ओनली इफ द एलईएल और यूएल के बीच में अगर है तो उसी को हम लोग फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। सो आप हर एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल या नहीं तो कोई भी आप फ्लेमेबल मटेरियल को अगर आप ले लेगा तो इसका हर एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल के लिए ये आपको अलग अलग होते हैं एलईएल और यूएल, ठीक है। सो जैसे आप देखेगा तो फ्रेंड सबसे पहले एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ये एसिटिलीन ये सब फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप देखेगा तो हाइड्रोजन का आप देख लीजिए फ्रेंड,
हाइड्रोजन है इवन आपको 4% ऑफ वॉल्यूम, मतलब आपको इवन हाइड्रोजन है 4% है और 96% आपका एयर है उस एरिया में, इवन 4% ऑफ हाइड्रोजन भी उस एरिया में है तो उसमें आपको इग्निशन सोर्स क्रिएट करेगा, तो ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, ये फायर को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे आपको इवन आपको हाइड्रोजन है 75% हाइड्रोजन है और ओनली 25% आपको एयर है, फिर भी आप इसमें इग्निशन सोर्स प्रोवाइड करेगा तो इसमें आपको फायर हो सकते हैं, ठीक है फायर हो सकते हैं। तो ये ऐसे आपको यहाँ भी देखा जाए तो फ्रेंड्स एसिटिलीन तो और खतरनाक है। एसिटिलीन क्या है, आपको 1.5%, सिर्फ 1.5% आपका एसिटिलीन है, ठीक है आपका रिमाइंडिंग 98.5% आपका यही रहे। इतना डाइल्यूट करने के बाद भी अगर इसमें आप इग्निशन सोर्स दे देगा तो आपको फायर कर सकते हैं, ऐसे इसका अपर में कोई भी लिमिट नहीं है। इवन ये आपको 100% वॉल्यूम में भी अगर आप इसको इग्निशन सोर्स दे देगा तो ये आपको फायर क्रिएट करते हैं, बहुत खतरनाक है। तो ये ऐसे आप मीथेन का देखेगा तो 5% और 15% है, तो ये इतना खतरनाक नहीं है। आपको 15% के ऊपर आप मीथेन को रखेगा तो इसके ऊपर आपको कोई भी इग्निशन सोर्स भी क्रिएट करेगा तो इसमें आपको फायर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा प्रोपेन है, इथिलीन है, ये सब थोड़ा सेफ टू हैंडल है, लेकिन ये सब जैसे हाइड्रोजन एसिटिलीन आप देखेगा तो बहुत खतरनाक है, जिसका आपको यूएल और एचईएल का रेंज है, ये एलईएल और यूएल का रेंज है, ये एक्सप्लोजिव रेंज अगर इस किसी का भी यूएल माइनस एलईएल है, ठीक है यूएल माइनस एलईएल है आपको एक्सप्लोजिव रेंज होते हैं, और जिस हाइड्रोकार्बन मटेरियल है यानी जिस फ्लेमेबल मटेरियल का इसका रेंज ज़्यादा है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है बहुत ही डेंजरस वाला हाइड्रोकार्बन मटेरियल है, उसको आपको सेफली हैंडल करना और उस एरिया का आपको बहुत ही प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट उसमें आपको जिसमें एक्सप्लोजिव रेंज आपको ज़्यादा है उसमें आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें आपको प्रोटेक्शन भी ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स सबका है, और इसमें ऑटो इग्निशन और ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है अभी के लिए नॉन रिलेवेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लैश पॉइंट है, सो ये भी एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैश पॉइंट है बहुत लोग गलत समझते हैं, इसीलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन मटेरियल, ठीक है अगर कोई भी टैंक में अगर देखेगा तो, या नहीं तो कोई पेट्रोलियम टैंक ले लीजिए फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है हमारा पेट्रोलियम टैंक है फॉर एग्जाम्पल 80% फिल्ड है, तो इसका बाकी 20% में आइडियली उसमें एयर ही होना चाहिए, ठीक है आइडियल एरी होना चाहिए, लेकिन आप उस 80% मटेरियल को सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर है, ठीक है वो बाकी 20% आपको एयर है या नहीं है तो पेट्रोलियम का वैपर है या नहीं है, तो अगर एचएसडी का टैंक है तो एचएसडी मतलब जो आपको डीजल का वैपर है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, सो ऐसा ही एक टेम्परेचर हो सकता है उसमें आपको ये जैसा ये रेंज में वो आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आपको एक पेट्रोलियम या नहीं है तो कोई आपको डीजल का टैंक है तो उसमें जो रिमाइनिंग पोर्शन है उसमें आपको है ही नहीं है, मतलब वैप उसमें आपको काली है, काली मतलब क्या है फ्रेंड्स दैट इज एयर है, अगर कहीं पे भी आपको अगर आप कोई भी वाटर बॉटल भी अगर ले लिया है उसमें आपको 50% भरा मतलब बाकी 50% में आपको एयर भरा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है दैट इज नॉट वैक्यूम उसमें एयर भरा हुआ है। ऐसे ही आपको एक बॉटल लिया था उस बॉटल में उस एक बॉटल समझ लीजिए, उस बॉटल में आप ओनली इतना ही आपको पेट्रोल या डीजल भरा है तो बाकी सब में आपको एयर होगा फ्रेंड्स, ठीक है एयर होगा, ठीक है अगर उस बॉटल या नहीं तो उस कंटेनर को अगर आप इसको गर्म करोगे तो, ठीक है ऐसा एक गर्म या ठंडा करोगे तो इसमें एक टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें जो ये क्या हो सकता है ये लिक्विड स्टेट में जो भी हमारा पेट्रोल या डीजल है ये टेम्परेचर के हिसाब से इसका स्टेट चेंज हो सकते हैं, ये आपको लिक्विड टू गैस बन सकते हैं या लेना ही है तो लिक्विड टू वो सॉलिड बन सकते हैं, जैसे हमारा पानी है वो आपको 100 डिग्रीज का ऊपर है वो स्टीम बनते हैं वेपर जैसा बनते हैं, और 0 डिग्रीज में ये आपको लिक्विड टू हमको सॉलिड बन जाते हैं आइस बन जाते हैं, ऐसे हमारा हाइड्रोकार्बन मटेरियल भी है, ठीक है। तो आपको जिस टेम्परेचर पे ये इसका वेपर बना दिया बाकी
हमारा जो बॉटल में हमने ये बोला था, वो बॉटल के अंदर पेट्रोल है, वो जिस टेम्परेचर पे इसका जो बाकी रिमेनिंग जो बरा नहीं है उसमें आपको वेपर इतना सफिशियंट है, वो आपको यूएल एलईएल के रेंज में आ गया, ठीक है, यूएल एलईएल के रेंज में इतना टेम्परेचर पे आ गया, तो उसमें अगर आप इग्निशन सोर्स दे देगा तो वो आपको फायर पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सफिशियंट वेपर इज गिवन ऑफ टू ए लिक्विड टू फॉर्म ए फ्लैमेबल मिक्सर विच ए दैट कैन बी इग्नाइटेड बाय एन आर्क एट स्पार्क, ठीक है। तो अगर मैंने ये बॉटल समझ लिया है, बॉटल में आपको इतना आपको पेट्रोल है, बाकी में आपको एयर है, तो आपको अगर टेम्परेचर इसको चेंज करेगा तो ये आपको जो पेट्रोल है आपको क्या हो सकते हैं, वो वेपर में बन सकते हैं, और इस वेपर अगर आपको सफिशियंट है यूएल एलियर के रेंज में, अगर ये फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव रेंज में या नहीं तो फ्लेमेबल रेंज का अंदर है, अगर इसमें आपको स्पार्क या आर्क दे देगा तो वो आपको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये कर देते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। सो ये एक एक का है फ्रेंड्स, जैसे आप किरोसिन देख लीजिए, वो 38 डिग्री टेम्परेचर में ही इसका वेपर इतना बन जाता है, 38 डिग्रीज में इसका वेपर में भी आप स्पार्क या नहीं तो आर्क इनिशिएट करेगा तो वो आपको फायर पकड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप प्रोपेन देखेगा तो -104 डिग्री पे, मतलब आप एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में, आपको एम्बियंट टेम्परेचर पे वो ऑब्वियसली आपको बनाएगा ही बनाएगा इसका वेपर, प्रोपेन, इथिलीन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ये सब पे जितना भी आपको माइनस में दिख रहे हैं वो सब इतना मिनिमम टेम्परेचर ही चाहिए इसका, ऊपर तो कोई भी टेम्परेचर पे ये इसका सफिशियंट वेपर बना देगा, आपको पेट्रोलियम का अंदर जाकर आपको स्पार्क करने की जरूरत नहीं है, इसका आगे का पास भी कहीं पर भी आपको स्पार्क या आर्क इनिशिएट करेगा तो वो ऑब्वियसली आपको स्पार्क को बन सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए फ्लैश पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए फ्लैश पॉइंट जिसमें जिसमें ये एम्बियंट टेम्परेचर का ऊपर है या 50 या 60 डिग्रीज का नीचे जितना भी है वो सब बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका वेपर में भी आपको स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं, उस वेपर की वजह से आपको बैक एंड में वो आपको स्पार्क क्रिएट करके वो आपको एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको जरूरत नहीं है, आपको वहाँ हाइड्रोकार्बन मटेरियल है ही नहीं है, हम दूर में ही हम लोग, कोई भी आप सिगरेट जला दिया कुछ भी हो गया तो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपको समझने के लिए हर बार आपको आर्क स्पार्क यानी ये तो आपको क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हमने मैच बॉक्स का जलाया या नहीं ये तो सिगरेट बोल रहे हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, हम लोग आगे तो इन डिटेल हम लोग बता देंगे, अगर सोर्सेस ऑफ इग्निशन सोर्सेस भी हैं वो हमको पता ही नहीं है वो इग्निशन सोर्स है, लेकिन उससे भी आपको फायर हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैश पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक फ्लेमेबल मटेरियल को, अगर उसको देखकर आपको हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिस हाइड्रोकार्बन मटेरियल में, उस हाइड्रोकार्बन मटेरियल में हम जो टेम्परेचर रेंज में इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका फ्लैश पॉइंट इसका बहुत नीचे है तो हमको इसको डरने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी भी आपको एक्सप्लोजिव एटमोसफियर क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, बहुत लोग फ्लैश पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है सर। लेकिन एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, जो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो आपको फायर या स्पार्क इनिशिएट करने का जरूरत ही नहीं है, फ्लैश पॉइंट में क्या है आपको स्पार्क या फायर को, सॉरी फ्रेंड्स, फ्लैश पॉइंट में आपको स्पार्क या फायर को, आपको इग्निशन सोर्स का जरूरी है, फ्लैश पॉइंट का ऊपर ही, अगर आपको फ्लैश पॉइंट है इसका ऊपर ही आप इग्निशन सोर्स है तो आप जल सकते हैं, अदरवाइज वो बन ही नहीं सकते, उसका वेपर में आपको कभी भी फायर क्रिएट नहीं हो सकते। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है, अगर हमने कोई भी पेट्रोल या डीजल है अगर उसको है, अगर उसको आप गर्म कर दिया, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको फायर नहीं कर रहे हैं, इसका जो वेजल है उसको कम्प्लीटली सील कर दिया और इसको आप बाहर से गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा कोई एक टेम्परेचर पे वो क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, ऑटो इग्निशन हो,
ऑटो इग्निशन मतलब आप इसका जो बॉटल का अंदर डायरेक्टली आप आग या इग्निशन सोर्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप बाहर से इसको इतना गर्म करोगे तो एट वन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर पे वो एक एक्सप्लोजन बन सकते हैं, वो उसका आग पकड़ के वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो उस टेम्परेचर को इसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, इसको बहुत जगह इसको रिफर करते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी है, ठीक है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। जैसे मैंने इसका पहले वीडियो में जैसे हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, ये एक हर गैस के लिए अलग अलग रहते हैं, उसको भी आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज में जैसे एक्सप्लोजिव एटमोसफियर प्रेजेंट है, जैसे आपको फ्लेमेबल मटेरियल्स हैंडल करना प्रेजेंट है, ऐसे ही आपको इंडस्ट्रीज में आपको हीट, जो आपको हीट, हॉट हीट सर्फेसिस को आपको बहुत जगह आपको मिल जाएगा, बहुत जगह आपको स्टीम रेंज से, HHP स्टीम रेंज से, HP स्टीम रेंज से, बहुत जगह आपको हीटर का लाइन से, बहुत जगह ऐसे आपको बहुत हीटेड सर्फेसिस है आपका इंडस्ट्रीज में, हीटर से वो सब है। सो आपको ऑब्वियसली आपको इंडस्ट्रीज में आपको हॉट सर्फेसिस प्रेजेंट है, सो अगर आपको हॉट सर्फेसिस जिस गैस को आप हैंडल कर रहे हैं उसमें आपको कभी भी हॉट सर्फेस इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, उसको आप ऐसा कभी भी डिजाइन नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इग्निशन टेम्परेचर है, इसको आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। अगर इसको आप देखेगा तो फ्रेंड्स प्रोपेन है 470 डिग्री से इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, अगर प्रोपेन को 470 डिग्री सेंटीग्रेड में आप रखोगे तो इसमें आपको कोई भी इग्निशन सोर्स का जरूरत नहीं है, द टेम्परेचर इटसेल्फ इज एन इग्निशन सोर्स, वो खुद आपको कंबस कर देगा फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लोजन आपको क्रिएट कर देगा। ऐसे मीथेन को 537 डिग्री से, इथिलीन को 425 डिग्री से, हाइड्रोजन है फ्रेंड्स 560 डिग्री से, एसिटिलीन है 305 डिग्री से, डाईथर इथर है 160 है, किरोसिन है 210 है, कार्बन डाइसल्फाइड है 95 है। अगर इसका जिसका आपको टेम्परेचर बहुत कम है वो आपको बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी ऐसे फ्रेंड्स फ्लैश पॉइंट और इग्निशन पॉइंट है या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, अगर जिसका बहुत कम है वो बहुत खतरनाक फ्लैमेबल मटेरियल है, उसको हैंडल करना, उसके पास हॉट सरफेसेस रखना बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो इसको इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप जिस एक्सप्लोजिव एटमोसफियर में कभी भी घुसते हैं तो उसमें आपको कौन सी एक्सप्लोजिव मटेरियल है, उसका फ्लैश पॉइंट क्या है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर क्या है पता करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी बात है फ्रेंड्स प्रेशर फिलिंग है, ठीक है, आप जनरली आप इंडस्ट्रीज में देखेगा तो फ्रेंड्स इसका ज्योमेट्री के हिसाब से आपको बहुत सारे वेजल्स, एक वेजल दूसरे से कनेक्टेड है, उसको आगे दूसरा कनेक्टेड है, आगे कुछ और कनेक्टेड है, ऐसा आप हमारा सिस्टम है कनेक्टेड सिस्टम है, उसमें उसकी वजह से क्या होगा, आपको कहीं पे भी अगर आपको एक्सप्लोजन हुआ है तो वह आगे भी पूरा सिस्टम में प्रोपगेट कर देगा, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रेशर फिलिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप ऐसे कनेक्टेड वेजल्स में आपको कहीं पे भी छोटा सा भी इग्निशन आपको मिल गया है तो वो आगे पूरा उस प्रेशर से, जैसे मैं आपको अनस्टेबल कंबसन बताया था उसमें इनिशियली स्पार्क या इसका इग्निशन सोर्स मिलने के बाद सबसे पहले इसका सराउंडिंग एरिया गर्म होगा, इसके बाद एक्सपैंड होगा, इसके बाद हीट होकर इसका प्रेशर बढ़कर वो आगे आगे प्रोपगेट कर देगा। अगर इसमें कनेक्टेड वेजल से तो उसका एक्सप्लोजन है बहुत वास्ट हो सकते हैं। सो प्रेशर फैलिंग है आपको ट्यूब्स में, लॉन्ग वेजल्स में, या आपको बहुत बड़ा पाइपलाइन से मल्टीपल वेजल्स का कनेक्टेड लाइन से उसमें आपको हो सकते हैं। सो इसी वजह से आपको प्रेशर फिलिंग भी आपको कंसिडर करना चाहिए, जहां आपको बहुत ही कनेक्टेड सिस्टम को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के डिज़ाइन करना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑक्सीजन एनरिचमेंट, ठीक है, हमने जितना भी हमारा LEL HCL हमने समझाया था वो एयर है 21% ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो आपको कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल को आपको बर्न करना है तो आपको एयर जरूरत नहीं है, इसको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए तो हमको ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, हमारा एयर में डिफॉल्ट हमारा 21% ऑक्सीजन मिलता है एज़ पर IEC 60079 के हिसाब से। तो जनरली हम लोग मान लेंगे फ्रेंड्स
डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो एयर में आपको 20.9% ऑक्सीजन तो मिलते ही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर जिस एटमॉस्फेयर में अगर इसका ऑक्सीजन ज़्यादा है, 21% से भी ज़्यादा है, फिर आप वो एटमॉस्फेयर आपको और खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो एलवीएल और एचसीएल हम लोग मेंशन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल वैलिड उस एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि वो और खतरनाक चीज़ है, उसमें आपको एक्सप्लोजिव रेंज और बढ़ जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन बढ़ गया था। ऑक्सीजन एनरिचमेंट मतलब फ्रेंड जिस एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन है 21% से ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन एनरिचमेंट एरिया है, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर में आपको कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल है इसका एलवीएल एचसीएल चेंज हो जाएगा और इसका जो एक्सप्लोजिव रेंज है नहीं है तो फ्लेमेबल रेंज बहुत ही वास्ट एरिया होगा, तो उस एरिया आपको बहुत ही डेंजरस चीज़ है फॉर सस्टेन बर्निंग है। सो उस एरिया में भी आपको एलईएल और एचसीएल का वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए फ्रेंड्स इसको डिजाइन करने के टाइम पे प्रोटेक्शन। इसके बाद है फ्रेंड्स एक बार ये अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहा था वो बेसिकली वो एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। अगर एक बार कभी भी आपको फ्लेमेबल मटेरियल अगर लीक हो गया नहीं है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी नैफ्ता का लाइन या नहीं है तो हमारा हमारा जो पेट्रोल का डीजल का कोई भी लाइन है अगर ये वहाँ से लीक हो गया नहीं है तो वहाँ से ओपन हो गया था वहाँ से आपको निकल रहा है तो आपको ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है फ्रेंड हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर है, ठीक है। हमारा एयर को हमारा रिलेटिव डेंसिटी हम लोग 1 ले लेंगे जो हमारा नॉर्मल एयर को, अगर उस एयर का डेंसिटी से अगर जिस मटेरियल को अगर डेंसिटी ज़्यादा है तब वो क्या करेगा वो नीचे ही रह जाएगा, एयर ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर जिसका रिलेटिव डेंसिटी है अगर एयर से कम है, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा आपको फ्लेमेबल वेपर है आपको ऊपर बन जाए बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डिटेक्शन है, आपको कहीं भी आपको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में आपको हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर्स रहते हैं वो डिटेक्टर्स आपको सूटेबल लोकेशन में होना चाहिए सब्जेक्टेड टू उसका जो मटेरियल जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं फ्लेमेबल मटेरियल, अगर उसका डेंसिटी के हिसाब से आपको फ्लेमेबल उसका हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर आपको जिसमें आपको डेंसिटी ज़्यादा है उसमें आपको हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर नीचे रहना चाहिए और जिसमें आपको कम है उसमें आपको ऊपर रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमने घर में देखते हैं फ्रेंड्स जैसे एलपीजी है, एलपीजी में क्या होता है एलपीजी में मोस्टली आपको प्रोपेन ही मिलते हैं और इसका डेंसिटी है 1.56 है, मतलब ये इसका जो डेंसिटी है एयर से ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। जो इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा ऑब्वियसली वो नीचे रहेगा, ठीक है। अगर नीचे रहेगा तो आपको ऊपर कोई भी मतलब नीचे कहीं पे भी आपको इसका इग्निशन या नहीं तो कोई भी इग्निशन सोर्स मिलेगा तो आपको फायर बन के आपको बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कभी भी ऊपर नहीं करेगा नीचे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है फ्रेंड्स आपको एक एक का जैसे एयर का रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी इसको 1 है तो ये बेसिकली फ्रेंड्स जो वजन का बेसिस मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है इसका वेट भी ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। सो अगर आपको मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं सो एयर को आप 1 मान लीजिए उसको प्रोपेन को आपको 1.56 है, अगर इस पाइपलाइन में प्रोपेन है तो अगर इसमें लीक हो गए तो क्या होगा नीचे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर उस जगह में आपने ऊपर हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर लगाया तो वो कभी भी इस लीकेज को आप सेंस ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप मीथेन है तो 0.55 है मतलब ये एयर से कम है तो ये इसका लीकेज ये ऊपर जाएगा। ऐसा मीथेन है इथिलीन है हाइड्रोजन है एसिटिलीन है ये सब आपको 1 से कम है मतलब एयर से लाइटर है लाइटर देन एयर है सो ये सब का वेपर आपको ऊपर बनेगा वेपर क्लाउड आपको ऊपर बनेगा तो इसका जो हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर भी उस एटमॉस्फेयर में आपको ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको जो डाइथर ईथर है नहीं है तो किरोसिन है कार्बन डाइसल्फाइड है प्रोपेन है वो सबका डेंसिटी है मतलब ये हेवियर देन एयर है सो इसका जो फ्लेमेबल मटेरियल उस एटमॉस्फेयर में आपको इसका जो फ्लेम डिटेक्टर सॉरी इसका हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर से आपको नीचे रहना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लेमेबल मटेरियल है आपको रहना बहुत ही आपको उसका पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद है ये हो गया था लीक के बारे में।
जैसे कभी भी आपको एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में अगर लीक हो गया है, इसके बाद आपको इग्निशन सोर्स भी चाहिए, ठीक है। अभी तक इग्निशन सोर्स से मतलब जितना भी हमारा एक्सीडेंट्स हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, या नहीं तो इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखेगा तो इसका इग्निशन सोर्स से आपको इतना परसेंटेज में हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आपको ओपन फ्लेम है, आपको ओपन में आपको जो फ्लेम होता है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको बहुत वैरायटी ऑफ हॉट वर्क्स करते हैं, इसमें आपको उस हॉट वर्क में आपको वेल्डिंग होते हैं। आपको कहीं पे भी आपको वेल्डिंग हो रहे हैं या हॉट जॉब हो रहे हैं, वहाँ आपको फ्लेमेबल मटेरियल है, तो वहाँ वो एरिया ऑलरेडी ओपन ओपन प्लेस है, तो उसमें एयर तो है, उसमें आर्क भी है, आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें इग्निशन सोर्स भी है। अगर उस एरिया में आपको फ्लेमेबल मटेरियल आ गया तो वो आपको एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। आपको इंडस्ट्रीज में 22% चांसेस है, 22% अभी तक जितना भी केस हुआ उसमें 22% केसेस है आपको ओपन फ्लेम या वेल्डिंग आर्क है, वही इग्निशन सोर्स है इसका। इसकी बात है फ्रेंड्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, वो हम आगे भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है फ्रेंड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 22% हो सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हॉट सर्फेसिस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हॉट सर्फेसिस और पायरोफोरिक आयरन है, ये सब एक्चुअली 12% और 10% है इसकी वजह से। इसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, उसकी वजह से 10% है। बेसिकली जो हमारा हाइड्रोकार्बन मटेरियल से फ्रेंड्स जो भी है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अगर आपको कोई भी मटेरियल है, नॉट इवन हाइड्रोकार्बन मटेरियल है, कोई भी मटेरियल को अगर आप इसका प्रेशर को सडनली बढ़ा रहे हैं तो इसको क्या करेगा, इसको कंप्रेशन करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसको सडनली आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर आपको कम होगा, वही आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल में आप पढ़ा होगा आपका इंजीनियरिंग कोर्सेस में, उसी का बेसिस में ही हमारा रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स वो सब काम करते हैं इसी का प्रिंसिपल में, ठीक है। जितना भी हमारा मटेरियल्स है आप उसको आप कभी भी आप कंप्रेस करोगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आप सडनली इसको एक्सपैंड करोगे तो उसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर डाउन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा, लेकिन ये हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स वो आपको उल्टा होता है, उसमें आपको क्या होता है, कंप्रेस करने से भी इसका टेम्परेचर है, कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर है कम होता है और एक्सपेंड करने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है हाइड्रोजन में। ये एक अलग टाइप ऑफ मटेरियल है, उसमें ये मतलब एक अलग चीज़ है, अदरवाइज हर एक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। हमारा इंडस्ट्रीज में एडियाबेटिक कंप्रेशन है, मतलब जो आपको कंप्रेशन जहाँ होता है उसमें आपको गर्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से आपको टेम्परेचर बढ़ता है, ये एक इग्निशन सोर्स हो सकते हैं। वो उस टेम्परेचर आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको सोर्स ऑफ इग्निशन एक खुद बन सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको 10% चांसेस है, ठीक है। ये हो सकते हैं फ्रेंड्स जितना भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं उसमें, आप अगर हाइड्रोकार्बन मटेरियल को आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से कर रहे हैं और इसका अगर डिस्चार्ज आपने बंद किया तो क्या हो सकता हैं, उसका प्रेशर आगे बढ़ता बढ़ता रहता है क्योंकि इसका डिस्चार्ज बंद है, ऐसा ही एक प्रेशर पे इसका टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं, वो एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आपको मतलब जिस इंडस्ट्रीज में आपको हाइड्रोकार्बन मटेरियल का इसका पंप है उसका डिस्चार्ज बंद होने की वजह से और कोई भी पंप का फेलियर की वजह से इसका इसका प्रेशर आप ऐसा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा और वो एक एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकते हैं, आपको 10% चांसेस है या 10% केसेस में हुआ था। इसके बाद आपको फ्रिक्शन या मैकेनिकल स्पार्क्स है, आपको फ्रिक्शन की वजह से वो सब की वजह से 8% हुआ, इलेक्ट्रिकल आर्क या स्पार्क्स में 8% होगा और व्हीकल है, क्योंकि आप हमने कोई भी इंडस्ट्रीज में आप देखेगा तो इसमें आपको व्हीकल्स के फॉर मैन एंड मटेरियल मूवमेंट और रिसोर्सेस मूवमेंट के लिए आपको व्हीकल्स तो चाहिए, आपको व्हीकल को आप बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में भी आपको व्हीकल घूमते हैं और उस व्हीकल में आप देखेगा तो स्पार्क अरेस्टर्स लगा रहता है, ठीक है, वो इसका पर्पज यही है कि इसको 8% चांसेस को भी वो मतलब इसको आप नलीफाई करने के लिए, ठीक है।
सो इसीलिए आप हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में हर एक व्हीकल में आपको स्पार्क प्लग दिखने जाते हैं, ठीक है। तो एक एक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनते हैं फ्रेंड, आप कोई भी दो सोच से, तो अगर आपको कोई भी मतलब नॉन नॉन मेटालिक या मेटालिक कोई भी सब्सटेंस है, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज बन सकते हैं। अगर उस मटेरियल्स को, अगर दूर दूर है, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज बन सकते हैं। अगर उसको पास में कांटेक्ट करोगे तो उसमें एक पोटेंशियल स्पार्क आपको क्रिएट कर सकते हैं। वो आपने बचपन में, मतलब जैसा आप स्कूल बुक्स में भी या इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी भी आपको, आप हेयर को कूम करते हैं, हेयर को कूम्बिंग करने के टाइम पे भी आप किसी को भी टच करेगा तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसका जो एनर्जी मिलते हैं, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा आप कोई भी नायलॉन कारपेट में भी, अगर आप शूज के साथ वॉकिंग कर रहे हैं, तब भी आपको इलेक्ट्रिकल मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चार्ज आपको एक जनरेट होते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एनर्जी से, आपको कितना एनर्जी जनरेट होते हैं वो दैट इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर है। सो जनरली आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आप कोई भी रग में आप अगर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको 20 मिली जो जनरेट होते हैं, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन मटेरियल्स को ओनली 0.2 मिली जो सफिशियंट है इसका इग्निशन सोर्स। अगर इसका गैस एयर मिक्सचर है, अगर 0.2 मिली जो भी आप इग्निशन सोर्स दे देगा तो, इसका इग्निशन एनर्जी दे देगा तो वो आपको फायर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे जगह, इवन आपका घर पे भी कभी 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 भी आपको एलपीजी लीक हो गया, ठीक है। अगर एलपीजी लीक हो गया, अगर आपको कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं है, लेकिन उस कारपेट पे आप शूज के साथ अगर आप वॉक कर रहे हैं तो उसमें आपको 20 मिली जो एनर्जी मिल जाएगा, सो ऑब्वियसली वो एक इग्निशन सोर्स बना के वो स्पार्क को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह में भी आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको कोई भी हमारा कहीं पे भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा पेट्रोल है या नहीं, ये तो डीजल है, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन मटेरियल है वो पंप करते हैं हम लोग, इसको हम लोग स्प्रे करते हैं, सो इसमें आपको स्टैटिक चार्जेस तो जनरेट होते ही है, ठीक है। इसको आपने प्रॉपरली, इसको जैसा हर जगह इसको ग्राउंडिंग करके, कंटिन्यूटी मेंटेन करके, इसको चार्ज अगर दोनों जगह सेम चार्ज रखोगे तो, आपको दो ऑब्जेक्ट में अगर सेम चार्ज रहेगा तो आप कभी भी इसका स्पार्क क्रिएट नहीं हो सकते और इग्निशन सोर्स नहीं क्रिएट हो सकते। जहाँ आप इसको अलग अलग करोगे और कनेक्टिविटी नहीं रहोगी, आपको सेम चार्ज मेंटेन नहीं करोगे, तो अगर इस दोनों को एक साथ आप क्लब करने से आपको इग्निशन सोर्स बन सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको बॉन्डिंग या अर्थिंग करते हैं हर जगह, और इसको इक्वली एक चार्ज पे रखने के लिए ट्राई करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और दूसरा सोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में गया तो इसमें आपको दिखते हैं फ्रेंड्स, सेलफोन्स आपको लेकर जाने के लिए मना कर देते हैं। जो भी हम लोग को सेलफोन देते हैं वो ओनली इंस्टेंट के, सिर्फ मोबाइल से तो अलाउ करते हैं, अदरवाइज सेलफोन आपको मना कर देते हैं। क्योंकि आप पे सेलफोन है एक रेडियो ट्रांसमिटर है फ्रेंड्स, ठीक है। आप फोन में मतलब कोई भी है, मतलब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के हिसाब से कोई भी आपको काम करना है तो कुछ एनर्जी तो आपको कंज्यूम कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सेलफोन में भी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक एनर्जी है, रेडियो मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है वो बेसिकली। वो सेलफोन एक ट्रांसमीटर है और रिसीवर भी है, ठीक है। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। उस एनर्जी भी सफिशियंट है एक्सप्लोजिव एवेपर्स में, तो उसकी वजह से भी आपको मतलब आर्क क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक इग्निशन सोर्स बन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल में आपको कभी भी, मोबाइल में आप रिंगर जो आपका इसका रिंग होते हैं मोबाइल, ठीक है, रिंग होने की वजह से इसका जो साउंड जनरेट होते हैं वो साउंड वेव से आगे जाकर कोई ऑब्जेक्ट को मतलब ये होकर ऑब्जेक्ट को हिट होकर उसका एनर्जी से भी, क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में बहुत माइन्यूट एनर्जी से दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल, क्योंकि वो भी कंसिडरेबल है, वो भी आपको पोटेंशियल स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो रिंगिंग वॉल्यूम की वजह से, इसका जो साउंड वेव्स है उसकी वजह से, जो इसका रिफ्लेक्शन या इसका ऑब्जेक्शन की वजह से या उसकी वजह से भी आपको टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, और उसका छोटा सा एनर्जी से भी आपको स्पार्क मतलब एक इग्निशन सोर्स बन सकते हैं। ऐसे इसका वाइब्रेशन है, मैकेनिकल फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको बैटरी का साथ, अगर आपको लूज बैटरी या नहीं तो बैटरी को निकालते हैं
तब आपको क्या हो सकता है, एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट हो सकते हैं। ये सब आपको दिखेगा नहीं है फ्रेंड्स, नॉन विजिबल है, लेकिन दैट एनर्जी सफिशियंट है आपको इग्निशन सोर्स बनने के लिए। तो इसीलिए बहुत ही यही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बहुत ही मतलब कंसिडरेबल है आपको हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में। सो ये आपको कोई भी वेजल से पाइप के या नहीं तो क्रेन्स कहीं पे भी आपको हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप अगर देखेगा तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आपको ये एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी मतलब लेस देन 0.01 है, मतलब मिली फ्रीक्वेंसी से, मिली हर्ज में। VLF 0.1 0.01 हर्ज के रेंज में है, लो फ्रीक्वेंसी है। आपको नॉर्मली हम लोग सप्रे इलेक्ट्रिकल सप्रे हम लोग यूज करते हैं वो आपको लो फ्रीक्वेंसी है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी से आपको यहाँ बन रहे जनरेट हो जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब किलो हर्ज टू मेगा हर्ज तक आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी से, इसके बाद माइक्रोवेव से, इसके बाद इंफ्रारेड है, ठीक है, इसके बाद विजिबल, इसके ऊपर गया तो आपको लाइट भी दिख जाते हैं आपको इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको विजिबल है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट है, इसके बाद एक्सरे और गामा रे से, वो आपको 300 मतलब आपको ये 3 × 10^12 है, ठीक है, वो उतना का ऊपर है, बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी सोर्सेस है ये इटसेल्फ है, बहुत ही एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है। ये थोड़ा सा सेफ और बेनिफिशियल है, और ये आपको बेसिकली ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इसका जो एनर्जी है वो सफिशियंट है हमारा हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग पाइरोफोरिक आयरन है फ्रेंड्स। पाइरोफोरिक आयरन है तो आयरन सल्फेट या पाइरोफोरिक आयरन रिएक्शन इसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज में। ये बेसिकली कोई भी हाइड्रोकार्बन मटेरियल है, इसमें आपको डिफॉल्ट है H2S बन सकते हैं या नहीं तो कोई भी सल्फेट का फॉर्म में वो रह सकते हैं, ठीक है, उस H2S या हाइड्रोजन सल्फेट है या कोई भी अदर सल्फेट है, अगर इसका जो पाइप का थ्रू इसका आयरन या CS या MS का आयरन पाइप्स का थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये क्या करते हैं, आयरन का साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन आयरन सल्फेट ऐसा एक मटेरियल है ये आपको बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर आयरन सल्फेट अगर आप बाहर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो जैसे ही ऑक्सीडाइज होकर वो एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इमीडिएटली आग पकड़ देगा, ठीक है, इसीलिए पाइरोफेरिक आयरन कहीं पे भी आपको दिखते हैं फ्रेंड, उसमें क्या होता है अगर वो कैसे ही जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब जैसे ही वो ड्राई हो गए, इसका अंदर मॉइस्चर निकल गया तो वो तुरंत आग को पकड़ देते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको हर जगह जहाँ आपको हाइड्रोकार्बन को डील करते हैं, वेजल से, पाइपलाइन से, ड्रेन से, टैंक से, जितना भी स्टोरेज टैंक से, वो सब जगह आपको पाइरोफेरिक, जहां आपको आयरन आयरन और हाइड्रोकार्बन जहां आपको दोनों मिलते हैं, जैसे आयरन पाइप का अंदर हाइड्रोकार्बन है, आयरन वेजल का अंदर हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपको अगर जैसे ही इसमें है उसमें वो सब में आपको पाइरोफोरिक आयरन आपको प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये बेसिकली कब डेंजर हो सकते हैं, रनिंग कंडीशन में डेंजर नहीं है, लेकिन कभी भी आप इसको शट डाउन ले लिया कोई भी वेजल का या नहीं तो कोई भी पाइपलाइन का आप शट डाउन ले लिया, ठीक है, शट डाउन ले लिया मतलब शट डाउन में इसको खाली करोगे, खाली करोगे तो इसमें आपको जैसे ही खाली कर दिया, खाली करने के बाद इसको अगर आप इसको ढक्कन खोलेगा तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो एयर के साथ रिएक्ट होकर वो क्या होगा, जैसा ऑक्सीडाइज होकर वो खुद एक मतलब फायर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? अगर कोई पाइरोफेरिक इवन इसीलिए आपको कभी भी हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में कोई भी वेजर या पाइपलाइन के अंदर इसका जो काला काला जैसा इसका माल दिखता है, आयरन जैसा माल दिखते हैं, अगर इसको निकाल के कहीं आपको बाहर जगह आप रख दीजिए, रखेगा तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा इसके बाद वो खुद फायर हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें खुद आपको कोई भी इग्निशन सोर्स का जरूरत नहीं है, उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए उसको पाइरोफोरिक आयरन बोलते हैं, वो सेल्फ इग्नेटेबल है, वो जैसे ही इसका ड्राई हो जाएगा तो वो सेल्फ इग्नेट हो जाते हैं, इसीलिए पाइरोफोरिक आयरन कभी कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं उसको हमेशा एक ही थंब रूल है, इसको कभी भी ड्राई नहीं होने देना है हमको, इसीलिए हमको हमेशा इसको पानी के साथ या नहीं तो इसको कुछ ना कुछ करके इसको कभी भी हम लोग ड्राई नहीं करेंगे, सो दैट वो कभी भी आपको आग पकड़ ही नहीं सकते। ये आग कब पकड़ेगा, अगर ये ड्राई हो गया तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया तो वो पकड़ेगा, अगर हम इसको कंटिन्यूसली पानी डालते रहेगा तो वो कभी भी ड्राई नहीं होगा, सो इसमें आपको आग कभी भी पकड़ नहीं सकते।
तो इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज़ में शटडाउन में बहुत सारा पैरोफेरिक आयन आपको दिखेगा उसमें। इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज़ में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर जगह फ्लोर पे हर जगह आपको पानी कंटिन्यूसली मारते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, सो दैट पैरोफेरिक आयन ये वो ड्राई होकर आपको आग नहीं पकड़ना चाहिए इसी वजह से, ठीक है। इसी वजह से आपको शटडाउन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में फायर वाटर लाइन्स पर ऐसा ओपन में बहुत जगह आपको कोल कर रख देते हैं, सो दैट इसका जो फ्लोर है हमेशा पानी के साथ रहेगा और ये हमेशा वेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हॉट सरफेसेस, क्योंकि हॉट सरफेसेस है वो इंटेंशनल हो सकते हैं या अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं। हमारा इंडस्ट्रीज में जैसे मैं आपको बताया था हॉट सरफेसेस है वो आपको स्टीम लाइन से, इंडस्ट्रीज में हम लोग स्टीम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, हर एक इंडस्ट्री में स्टीम लाइन्स यूज करते हैं हम लोग। जैसे HHP स्टीम है आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपका HP स्टीम है, ठीक है, या MP स्टीम है, LP स्टीम है, ऐसे इसका वो सारे, या नहीं तो कोई भी हीटर का लाइन है या कोई भी प्रोसेस का ड्राइयर से है, ठीक है, और या नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली ये हॉट सर्फेसेस है, ये जो इंटेंशनल वाला है ये सब स्टीम लाइन से, हीटर से, ये सब है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी। लेकिन नॉन इंटेंशनल जैसे इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, ब्लोअर फैन से, वो सब अगर वो नॉन इंटेंशनल, इंटेंशनली वो कभी भी हॉट सर्फेस बनना नहीं चाहिए, लेकिन वो नॉन इंटेंशनल इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से जो हुआ था वो सबकी वजह से, नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, लोकल हीटिंग है, उसकी वजह से बाहर आपको गर्म हो रहे हैं, उसका जो एनक्लोजर या नहीं तो इसका जो सरफेस है अगर गर्म हो रहे हैं तो वो आपको अनइंटेंशनल हॉट सरफेस है, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रीज में जो इंटेंशनल हॉट सर्फेस है, जो स्टीम लाइन से, हीटर लाइन से, वो सबको हम लोग क्या करते हैं इंसुलेशन कर देते हैं, सो दैट इसका बाहर आपको हॉट सर्फेस कभी भी एक्सपोज ही नहीं होगा, तो इसकी वो कभी भी आपको हार्मफुल हो ही नहीं सकते, इसको इनफ इंसुलेशन कर देंगे सो दैट वो कभी भी आपको हार्मफुल होगा ही नहीं है। लेकिन जो आपको अनइंटेंशनल चीज़ है वो जैसे अब मैं आपको बताया था अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल है, वावर हीट हो रहा है, नहीं तो उस मोटर को, नहीं तो उस केबल को आप वावर लोड में आप चला रहे तो वो बाहर क्या होगा आपको गर्म होगा, वो एक हॉट सर्फेस बन सकते हैं। अगर जिस एक्सप्लोसिव एटमोसफियर में इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ही उतना है तो वो एक खुद इग्निशन सोर्स बन सकते हैं। इसीलिए हॉट सर्फेसेस जहाँ हैं वहाँ इसका टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पे भी आपको हॉट सर्फेसेस हो रहे हैं तो आपको तुरंत बंद करना चाहिए, वहाँ आपको हाइड्रोकार्बन मटेरियल का आपको बिल्कुल आपको कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए और उसमें आपको अवॉइड ही करना चाहिए, आपको अनइंटेंशनल हॉट सरफेस कहीं पे भी दिखाया तो। इसीलिए आपको हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फील्ड्स में क्या करते हैं ऑपरेटर है इसका इंजीनियर से एक टेम्परेचर गन पकड़ कर कोई भी अनइंटेंशनल हॉट सरफेस है तो उसको चेक करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड्स में इसको देख कर कहीं भी अनइंटेंशनल हॉट सरफेस है तो उसको हम लोग आइसोलेट करके उसको बेसिकली उसको अवॉइड कर देते हैं उस सिस्टम से, ठीक है। तो इसीलिए हॉट सर्फेसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल आर्क्स और स्पार्क्स है, ठीक है। ये बेसिकली कोई भी, ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड फील्ड में है तो इसको आप पता ही है, आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स को आप मेक या ब्रेक करते हैं या नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स में आपको प्रॉब्लम होता है या फॉल्ट होते हैं या नहीं तो कोई भी ब्रेक होते हैं या इंसुलेशन फेलियर्स होते हैं, कोई भी ब्रेक डाउन होते हैं, कोई भी अबनॉर्मल रिलेटिव चीज़ होते हैं, कोई भी डिस्चार्ज होते हैं, उसमें आपको स्पार्क या आर्क तो क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि इसका सराउंडिंग एयर को वो आयनाइज होकर वो स्पार्क या आर्क को क्रिएट करेगा। या कोई भी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है, अगर वेल्डिंग में भी आप इसका जो अर्थ इलेक्ट्रोड का इसका कनेक्शन है प्रॉपरली टाइट नहीं किया या सही से रिजिड कनेक्शन नहीं किया, लूज कनेक्शन से, उसमें आपको स्पार्क क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जहाँ आपको इलेक्ट्रिकल आर्क या स्पार्क है उस जगह बेसिकली अगर आपको हो सकता है तो उसमें आपको कंसिडर करना चाहिए उस एरिया को। सो जिस इक्विपमेंट, इसीलिए आपको हम लोग जनरली फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट या नॉन फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट, या इसी वजह से हम लोग आगे भी, हम लोग इसका आगे भी एक और वीडियो बनाएंगे, इसमें एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अभी तक ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल से हमको क्या क्या प्रॉबेबल इग्निशन सोर्सेस हो सकते हैं वो सब के बारे में बेसिक चीज़ें, आगे हम लोग इसका आगे भी हमारे साथ आगे बनाते रहिए सो दैट हम आगे हम लोग डिफरेंट जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन से, जोन्स क्या होते हैं इसकी
बाद हम लोग इसका एक्सप्लोजन प्रूफ प्रोटेक्शंस क्या क्या रहते हैं और कौन सी में क्या यूज़ करना चाहिए और इसको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, और ये सब हम आगे भी बना देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।